हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सोकली यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा मल्टीमीटर बनाने वाले हैं जो कि हमारे लाइफ टाइम काम में आएगा और इसे बनाना बहुत ही इजी है, साथ ही ये बहुत ही सस्ते में बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के आल पर क्लिक करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक स्क्रैप पाइप का टुकड़ा ले रहा हूँ, प्लास्टिक का। तो इसकी बनानी है हमें इस तरह की शीट। ये कैसे बनेगी तो आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि पिछले एक वीडियो में मैंने एक हॉट नाइफ कटर बनाया था जिसका लिंक आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं और वीडियो के नीचे भी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल आसानी से ये बीच में से कट जाएगा और जैसी चाहे हम आकृति दे सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मैंने सीधा कैसे किया, तो इसके बारे में भी मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। और ये आप कर सकते हैं गैस पे गर्म करके या हॉट एयर गन के द्वारा गर्म करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको सीधा करने के बाद हम कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप चाहे तो इस तरह का हॉट नाइफ कटर बना के भी कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मल्टीमीटर आपके बहुत काम में आएगा जब आप इस तरह का मल्टीमीटर अपने घर में बना के रख लोगे। ये बिल्कुल आसानी से भी बन जाता है और सस्ते में भी। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है 7x14 सेंटीमीटर के दो टुकड़े, 14x2.5 सेंटीमीटर के दो टुकड़े और 7x2.5 सेंटीमीटर के दो टुकड़े। अब यहाँ पर हम लेंगे इस तरह का एक वोल्ट मीटर। इसके सभी आइटम आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से मिल जाएंगे और वैसे मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखे हैं, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक पुरानी बैटरी लूँगा मोबाइल की, लेकिन फ्रेंड्स वो चालू भी होनी चाहिए। तो इन तीनों बैटरियों में से मैं ये वाली बैटरी ले रहा हूँ। तो वोल्ट मीटर में तीन वायर आते हैं, रेड, ब्लैक और येलो। रेड पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव है। तो इस तरह से हमने चालू करके देख लिया है वोल्ट मीटर को। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक चार्जिंग पीसीबी। तो यहाँ पर मैं ये छोटी वाली पीसीबी ले लूँगा। अब जो बड़े वाले दो टुकड़े हमने लिए थे उनमें से एक टुकड़ा लेके यहाँ पर मैं इस वोल्ट मीटर के हिसाब से मार्क कर लूँगा इसकी कटिंग करने के लिए। साथ ही अब हम लेंगे इस तरह के बनाना कनेक्टर, मेल फीमेल। वैसे तो ये स्पीकरों में ऑडियो वायरिंग के लिए काम में आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीमीटर बनाने के लिए इसका यूज करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से ये एक दूसरे में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आइटम है। एक लेंगे हम यहाँ पर 3-पिन स्लाइड स्विच, एक लेंगे बजर और एक लेंगे 5mm की रेड LED। तो इन सभी आइटमों के लिए भी हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और बाद में हम इसकी हॉट नाइफ कटर के द्वारा कटिंग कर लेंगे। तो आपने देखा फ्रेंड्स, किस तरह से बिल्कुल आसानी से हमने कटिंग कर ली है। और अब हम इसके अंदर सबसे पहले वोल्ट मीटर फिक्स करते हैं, अब हम इसके अंदर करेंगे बजर को फिक्स और इसी तरह से और भी आइटम। तो फ्रेंड्स यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यार मैं इसी तरह के नए नए वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम LED की पिनें छोटी कर लेते हैं। अब स्लाइड स्विच की पिन नंबर 1 या 3 पे हम इस तरह से रेड वायर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं रेड वायर पॉजिटिव के लिए
और ब्लैक वाला वायर नेगेटिव के लिए यूज में लूंगा। तो इस वायर को हम एलईडी के पॉजिटिव पे कनेक्ट करते हुए ले जाएंगे। अब बजर के पास हम मार्क कर देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इसके दूसरी साइड में लिखा हुआ है बजर के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। अब ये जो पॉजिटिव वायर हम लेके आए थे, इसको बजर के ऊपर कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम एक ब्लैक वाला वायर जोड़ेंगे बजर के नेगेटिव पे और उसको जोड़ेंगे हम एलईडी के नेगेटिव पे और यहाँ से इसको लेके जाएंगे हम बनाना कनेक्टर के ब्लैक कनेक्टर पे जो कि नेगेटिव के लिए है, और वोल्टमीटर के नेगेटिव वायर को भी हम इसी कनेक्टर पे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब जो वोल्टमीटर का येलो वाला वायर है उसको हम बनाना कनेक्टर के पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे यानी रेड कनेक्टर पे। अब वोल्टमीटर के पॉजिटिव वाले वायर को हम स्लाइड स्विच के साइड वाली पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे यानी 1 या 3 पे। अब जो बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल है उसको फिक्स करेंगे हम यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ कनेक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कटिंग कर लेंगे इसकी। अब मल्टीमीटर बॉक्स के लिए साइड वाले पैनल्स इस तरह से चिपका लेंगे किसी भी इंस्टेंट ग्लू के द्वारा। अब चार्जिंग पीसीबी को हमें यहाँ पर फिक्स करना है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्लू स्टिक इस तरह से डाल देता हूँ और इसको इस तरह से फिक्स करने के बाद में अब हम यहाँ पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा और लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से चिपका लेंगे। जब बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर हम यूएसबी केबल लगाएंगे तो पीसीबी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उखड़ेगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉड्यूल पे पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए वायर जोड़ देंगे बैटरी के लिए। मॉड्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क किए हुए हैं। अब मॉड्यूल के माइनस पे हम एक और वायर कनेक्ट करेंगे ब्लैक वाला जो कि नेगेटिव के लिए है और इसको हम कनेक्ट करेंगे बनाना कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। अब मॉड्यूल के प्लस पे भी हम एक और वायर कनेक्ट करेंगे इस तरह से और इसको हम सोल्डरिंग करेंगे स्लाइड स्विच के बीच वाली पिन पे यानी पिन नंबर 2 पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने कर लिया है और अब हम बैटरी के ऊपर वायरिंग करेंगे। तो मॉड्यूल से जो वायर आए हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, उनको हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पे उसी तरह से लगा देंगे। अब बैटरी को हम यहाँ पर ग्लू स्टिक के द्वारा इस तरह से चिपका देंगे और जो साइड वाले पैनल्स हैं उनको भी हम यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू के द्वारा आसानी से चिपका देंगे। तो चलिए अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि ये जो मल्टीमीटर के अंदर बैटरी लगी हुई है वो किस तरह से चार्ज होगी। तो यहाँ पर हम मोबाइल चार्जर के द्वारा इसको बिल्कुल आसानी से चार्ज कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे ही ये ब्लू हो जाएगी पूर्णतया, तो ये बैटरी भी फुल चार्ज हो जाएगी। बैटरी को जीरो से फुल चार्ज होने में आधा घंटा, पौन घंटा या एक घंटे तक लग सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी बैटरी के एमएएच पे। बैटरी के चार्जिंग प्रोसेस को भी देखने का हम यहाँ पर जोगाड़ करेंगे। इससे पहले हम मल्टीमीटर को इस तरह से पैक कर लेते हैं इंस्टेंट ग्लू के द्वारा। अब चार्जिंग इंडिकेटर्स के लिए जो हमने मार्क किया था वहाँ पर भी मैं हॉट नाइफ कटर के द्वारा कटिंग कर लूँगा इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक डेड एलईडी लेंगे इस तरह की पारदर्शी और इसकी लेग्स को कट कर लेंगे बिल्कुल टच करते हुए। और यहाँ पर मैं वापस से आपको बताता हूँ चार्ज करके। तो यहाँ पर मैं अंदर की एलईडियाँ आपको बताना चाह रहा हूँ इस तरह से आप देख सकते हैं। चाहे तो जो एलईडी हमने अभी इस तरह से बनाई है उसको भी हम लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मल्टीमीटर तो बन गया है लेकिन भाई हमें इसको खड़ा भी करना है, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर पीछे की तरफ स्टैंड। तो उसका जुगाड़ तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही मैं आपको इस मल्टीमीटर को भी चेक करके बताऊंगा कि ये किस तरह से वर्किंग करेगा, इसके द्वारा हम किस तरह के क्या क्या आइटम्स चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक के स्क्रैप के टुकड़े बचे हुए थे उनसे ही हम जुगाड़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम इस स्टैंड को लगाएंगे कि इसमें लॉक सिस्टम भी बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मल्टीमीटर के पीछे की तरफ स्टैंड लगा दिया है, वो भी लॉक सिस्टम के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम चाहे तो इसको चिपका के रख सकते हैं या बिल्कुल आसानी से इस तरह से खोल के,
तो चलिए फ्रेंड्स, मल्टीमीटर को चेक करवाने से पहले यहाँ पर मैं मल्टीमीटर की प्रोब भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कनेक्टर, ये बनाना कनेक्टर है मेल, क्योंकि फीमेल हमने लगा दिए हैं। और यहाँ पर हम लेंगे दो वायर जो कि मैंने एक एक मीटर के लिए हैं, रेड और ब्लैक, अच्छी क्वालिटी के वायर है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इस कनेक्टर के अंदर हम इस तरह से डाल देंगे और स्क्रू के द्वारा टाइट कर देंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से लग गया है। इसी तरह से ब्लैक वाले को भी तैयार कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पुराने खाली पेन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों अलग अलग कलर के लिए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे और यहाँ पर हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो एक मैंने ऑरेंज कलर का पेन लिया है और एक ब्लू कलर का। मैं रेड और ब्लैक लेना चाह रहा था लेकिन फ़िलहाल वो मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने ये कलर लिए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे की तरफ से हम इस तरह से छेद कर लेंगे और इस तरह से वायरिंग इनके अंदर से निकाल लेंगे। रेड और ब्लैक वायर की अलग अलग कलर की प्रॉप्स हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एक साइकिल स्पाइक का टुकड़ा लेंगे। यहाँ पर हमें नया नहीं लेना है, इस तरह का एक पुराना ले सकते हैं। पुराना स्पाइक आपको साइकिल रिपेयरिंग शॉप से बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। स्पाइक को इस तरह से सोल्डरिंग आयरन के द्वारा गर्म करके पेन के आगे वाले हिस्से में इस तरह से घुसा देंगे और प्लायर के द्वारा स्पाइक का इतना हिस्सा कट कर लेंगे। इसी प्रकार से रेड वाली प्रोब के लिए भी हम ऐसा ही कर लेंगे। अब इनके मुंह को रेती के द्वारा घिस के पतला कर लेंगे। आप चाहे तो पत्थर के ऊपर भी घिस सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इनको इस तरह से कर लिया है और अब हम इनके ऊपर वायरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों प्रोब्स बनके तैयार हो गई है और अब हम इनको मीटर के अंदर लगाते हैं इस तरीके से, ब्लैक में ब्लैक और रेड में रेड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है इसको चेक करवाने की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये कंटिन्यूटी आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंपोनेंट्स चेक करना बताता हूँ, बाद में हम वोल्टमीटर का उपयोग करके अलग अलग चीज़ों का वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डायोड लिया है जो कि एक तरफ से कंटिन्यूटी बता रहा है और एक तरफ से नहीं बता रहा, यानी ये डायोड बिल्कुल सही है। और अब मैंने एक स्विच लिया है, तो यहाँ पर मैं स्विच को ऑन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये भी कंटिन्यूटी बता रहा है ऑन करने पे। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, स्विच अंदर की तरफ से ख़राब हो जाता है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है एक केबल पावर कॉर्ड, तो इसकी भी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं अलग अलग वायरों के लिए। तो एक वायर में हमने चेक कर लिया है, अब दूसरे में चेक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं दोनों वायरों में कंटिन्यूटी आ रही है और ऊपर अर्थ वाला वायर इसमें है नहीं, तो हमारी जो केबल है वो बिल्कुल सही है। अब हम लेंगे एक पोटेंशियोमीटर, जिसे बास पोर्ट भी बोला जाता है। तो मीटर की जो कंटिन्यूटी है, पोटेंशियोमीटर को कम या ज़्यादा करने पे कम या ज़्यादा हो रही है, तो हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो बिल्कुल ओके है। और अब लेते हैं हम यहाँ पर एक एलईडी। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं एक डबल कलर वाली ब्लिकिंग एलईडी लिया हूँ जो कि इस तरह से कंटिन्यूटी शो कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये एलईडी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर हम एक और एलईडी लेते हैं, ये 3 mm की है, सिंगल कलर रेड एलईडी। इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं दोनों तरफ। तो एक तरफ तो नहीं आ रही और यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही। चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं, नहीं आ रही बिल्कुल भी, ख़राब है ये एलईडी। तो यहाँ पर हम एक और एलईडी लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 mm की एलईडी है रेड, तो एक तरफ इसकी कंटिन्यूटी आ रही है और एक तरफ नहीं आ रही। तो ये एलईडी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी एक तरफ ही कंटिन्यूटी आती है पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से, ठीक है। तो ये एलईडी बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पर आप और भी कंपोनेंट्स चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस से चेक कर सकते हैं। अब बारी है मल्टीमीटर के वोल्टमीटर की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से ये चालू हो जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि स्लाइड स्विच के एक तरफ कंटिन्यूटी टेस्टिंग कर सकते हैं और एक तरफ वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने 220 वोल्ट एसी के लिए एक पावर एक्सटेंशन बॉक्स लगा लिया है और इसमें लगा दिया है एक चार्जर 5 वोल्ट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसके अंदर वोल्टेज चेक कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट के लगभग आ रहा है। तो इस एडाप्टर को मैंने अपने मल्टीमीटर से भी चेक किया था तो इतने ही वोल्टेज शो कर रहा था। तो अब यहाँ पर हम लेंगे एक 3.7 वोल्ट का रिचार्जेबल सेल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 3.7 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट शो कर रहा है, ठीक है। और अब हम लेंगे एक और बैटरी जिसमें डबल सेल लगे हुए हैं, यानी 3.7 वोल्ट की दो लिथियम आयन बैटरियाँ सीरीज में लगी हुई है। तो यहाँ पर वोल्टेज दुगने हो गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर तीन बैटरियाँ लगी हुई है 3.7 वोल्ट की सीरीज में, और एक्यूरेट बिल्कुल सही वोल्टेज आ रहे हैं 11.1, क्योंकि 3.7 वोल्ट को 3 से गुना या 3 बार जोड़ने पे 11.1 ही आता है। तो इस मल्टीमीटर को आप चार्ज करने के साथ साथ यूज में भी ले सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी चार्ज भी हो रहा है और यहाँ पर हम इसको यूज में भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी ले लिया हूँ, लेकिन ये थोड़ी डिस्चार्ज है तो कम वोल्टेज शो करेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं 4.25 के लगभग, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और बैटरी आपको लेके बताता हूँ, ये भी 9 वोल्ट की है और इसके जो वोल्टेज है यहाँ पर 7 कुछ आ रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पर हम लेंगे अब एक UPS की बैटरी 12 वोल्ट और 7 एम्पियर की। तो चलिए इसके भी वोल्टेज चेक करते हैं, वैसे मुझे इसको भी चार्ज किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो देखते हैं कितने वोल्टेज यहाँ पर शो करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बैटरी 11.23 के लगभग वोल्टेज शो कर रही है। और अब हम लेंगे एक और बैटरी, तो ये भी 12 वोल्टेज की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13.4 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि ये बैटरी फुल चार्ज है। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो यार फ्रेंड्स आपको ये मल्टीमीटर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।